नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीरज। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की पूजा उपासना के लिए विशेष माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल चार नवरात्रि आती हैं, दो गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इन सभी नवरात्रि में शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और इस साल की शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है और 5 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और विजयदशमी होगी। वहीं इस खास पर्व को मनाने के लिए रानीखेत शहर के आसपास तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 9 दिनों तक चलने वाली शारदीय नवरात्रों में जहां एक ओर पंडालों को भव्य रूप से सजाया गया है, तो वहीं नगर के खड़ी बाजार सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की गई। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसी वजह से माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा हिमालय से पृथ्वी लोक में आती हैं और अपने भक्तों के घरों में 9 दिनों के लिए विराजमान होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के भक्त इन 9 दिनों में उपवास रखते हुए माँ शक्ति की साधना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखती हैं। जय माता जी की। आप सभी को इस शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जैसा कि समस्त ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि इस बार माँ जो है गज रूप में आ रही है, तो समस्त भारतवर्ष के लिए, समस्त भारतवर्ष की जनता के, सनातन धर्म वासियों के लिए यह बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है कि माता जी इस बार गज रूप में आ रही है, तो समस्त भारत का कल्याण इसमें होगा। तो उसी उपलक्ष्य में हमने भी यहाँ पर शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री नवचंडी ज्ञान महायज्ञ और दुर्गा महोत्सव का आयोजन चवटिया श्री राम भवन में हमने करवाया है। इस राम भवन मंदिर प्रांगण में समस्त क्षेत्रवासी जनता के सहयोग से बहुत सुंदर और बहुत दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन होगा कि वह अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आकर जो है इस परम पुण्य जो कार्यक्रम है इसको देखने का लाभ अर्जित करें। यहाँ पर जो विधिवत कार्यक्रम हमारे हैं, प्रथम दिन में आज हमारी कलश यात्रा से यह कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हुआ है। कलश यात्रा के बाद समस्त देवी देवताओं के हमने जो है अनेक देवी देवताओं के यहाँ पर मंडल बनाए हैं, जैसे सर्वतोभद्र मंडल हमने बनाया है, 64 योगिनी मंडल हमने बनाया है, नवग्रह मंडल हमने बनाया है। इन समस्त मंडलों में समस्त देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद जो है अधिष्ठात्र जगदीश्वरी, जो माँ जगदीश्वरी का हमने जो विग्रह बनाया है इस मूर्ति में, उनका जो प्राण संचार जो मंत्र है, उन प्राणों के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो ये थी रानीखेत से हमारे संवाददाता बलवंत सिंह रावत की एक खास रिपोर्ट। ऐसी ही रिपोर्ट्स और खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।